घाट। Yes, Bardaal, yes! Wait, Shashuan! हिम्बा श्लोक में जा रहा हूँ। बरदाल, लॉकडाउन बरदाल। आगिल, क्या हो? तुम हमें ऐसे धोखा देकर नहीं जा सकते। अरे पागल हो क्या आगिल? इस पॉड के बारे में मैं सब कुछ जान चुका हूँ। अब की बार मैं उड़ गया ना, तो तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाला आगिल में। समझ में आ रहा है? सुनने में आ रहा है तुम्हें? बाय बाय हिम्बा श्लोक। मैं तुम्हारे सर के ऊपर से उड़ रहा हूँ। बरदाल यहाँ से जा रहा है। के भाग जाने के बाद मैंने अपने सभी पॉड्स को अपने जादू से जोड़ दिया है। अब वो भी मेरी इजाजत के बगैर हिम्बा श्लोक से नहीं भाग सकते। माफ कर दो आगिल। आगिल जी, इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे छोड़ दो। माफ ही तो नहीं करती आगिल। अब बरदाल मरेगा, पत्थर बनेगा, सफेद पत्थर, और पड़ा रहेगा हिम्बा श्लोक में 100 जिंदगियों तक इस बर्फ के नीचे गड़कर। तुमने आगिल से धोखा किया है और आगिल धोखेबाजों को फिर से धोखा करने के लिए जिंदा नहीं छोड़ती। हाँ। तो आगे मेरा वक्त खत्म। शाश्वत रहे। हाँ। बरदाल खत्म, हमेशा हमेशा के लिए बरदाल खत्म। आता है। सुनो, वक्त गुजरता जा रहा है। कुछ लोगों को, कुछ चीजों को, बल्कि कुछ दुनियाओं को बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है। तुम पर ही आस लगाए बैठे हैं। अभी तुम्हें अपने बारे में याद आना दिन ब दिन बहुत ही जरूरी होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं मैं, ये याद करने की कि कौन हूं, कहां से हूं, आखिर मेरा मकसद क्या है। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, इन्हें एक धागे में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या डर लग रहा है। अब कहीं देर ना हो जाए। जब तक तुम्हें खुद अपने आप पता चले कि तुम कौन हो, कहीं वो सारे लोग, वो चीजें, वो दुनिया सब खत्म ना हो जाए। तो आप ही क्यों नहीं बता देती थी? अपना नाम तक नहीं ले सकती, श्रापित है। अगर बोल दिया तो वो दुश्मन हमें ढूंढकर हम निहत्तों को वहीं खत्म कर देगा। लेकिन कोई तो रास्ता होगा, कोई तरीका, कोई क्लू, कोई हल्का सा इशारा। जो मुझे ले जा सके वहां तक, जहां जाकर मैं अपने बारे में सब कुछ जान सकूं मैं कि मैं कौन हूं। मक्खी, ये लो, ये तुम्हें ले जाएगी वहां जो तुम्हारी दुनिया है। ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है, इसे संभाल कर रख लो। ये ले जाएगी तुम्हें तुम्हारी दुनिया में। लेकिन ये मक्खी मुझे कैसे कैसे बताएगी? शाश्वान रहे महामहिम, शाश्वान रहे। कामयाब ना कामयाब, आखिरी सेफ सिग्नल सही वक्त पर सही जगह से सही तरीके से बरदौल के द्वारा ही एक बार फिर से कंफर्म और चेक कर लिया। महामहिम, यदि आप अपनी शक्तियों से एक बार देख सकें कि बरदौल ने आखिरी बार जिन चीज़ों को छुआ था उन्हें हमारे सामने हाजिर कर दें तो शायद कुछ पता चल जाए। खींचो सशमाग। महामहिम, बरदौल अपना सारा सामान छोड़ के भाग रहा है, मुझे लगता नहीं वो धरती पर है, या फिर वो शायद कहीं नहीं है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। माना कि तेरा बचाना काम है, बालवीर नाम है। बालवीर, तुमने साबित कर दिया है कि एक छोटे से उदाकालोक का लड़का अपनी बहादुरी से पूरे शाश्वान लोक की शान बन सकता है। बालवीर, ये रुक नहीं रहे। मैं इन्हें मार लेती हूँ। नहीं, हम इन्हें मारेंगे नहीं, बेहोश करेंगे। ये अपने प्राण बचाने तुम्हारे पास आए थे, लेकिन मैंने तो सिर्फ बेहोश करने के लिए हमला किया था। इसकी आगे की बातें अदालत में होंगी। नियम के अनुसार बालवीर की सारी जादू शक्तियां लेकर। महामहिम, बिना गुनाह साबित हुए मुझे गुनहगार ठहराना मेरे साथ अन्याय है, और नियमों के अनुसार मैं इस अन्याय के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगा। वक्त गुजरता जा रहा है, कुछ लोग, कुछ चीजें, बल्कि कुछ दुनियाओं को बेसब्री से तुम्हारा इंतजार है। अभी तुम्हें अपने बारे में याद आना दिन ब दिन बहुत ही जरूरी होता जा रहा है। तो यही है वो बात जो बेनाम मुझे याद दिलाना चाहती थी। याद आ गया मुझे बेनाम, याद आ गया मुझे कि कौन हूं मैं। बालवीर, बालवीर हूं मैं। आई एम बैक। आगिल, ये क्या किया आपने? मेरा मतलब है इनकी जान लेने की क्या जरूरत थी? इनका अपराध इतना बड़ा भी नहीं था। इनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि आपका काम करने में इनसे बस इतनी सी देर हो गई थी। हम समझ सकते हैं आगे आपका वहां जादू से दूर होना, बालवीर को खत्म करने के सपने से बस रत्ती भर दूर रह जाना, पर आपको अपने गुस्से की ज्वाला पर काबू रखना ही होगा आगिल, नहीं तो इन लपटों से पूरा हिम्बा श्लोक जलकर खाक हो जाएगा। आगिल, नहीं रह सकती मैं शांत, नहीं पा सकती खुद पर काबू। मेरे अंदर फट रही क्रोध की ये ज्वाला तब तक शांत नहीं होगा जब तक मेरा महा जादू मेरे हाथ नहीं लगता, और उससे मैं बालवीर को खत्म नहीं करती तब तक मुझे कोई शांत नहीं कर सकता, कोई नहीं। तो आगिल, क्या करेंगी आप? कैसे खत्म करेंगी इस बालवीर को? बालवीर को सिर्फ आपका महाजादू खत्म कर सकता था, और वो उस व्यक्ति काश्वी में फंसा हुआ है। अब कौन सा रास्ता बचा है आगिल बालवीर को खत्म करने के लिए? लाल दरवाजा। लाल दरवाजा। अब लाल दरवाजा ले जाएगा मुझे मेरी मंजिल तक। समय आ गया है लाल दरवाजा खोलने का। हीम सलाम माँ, हीम सलाम माँ। मैं जानती हूँ माँ, आप मुझसे बहुत नाराज हो। मैं बालवीर को नहीं मार पाई, लेकिन माँ मेरा विश्वास करो, मैंने आपके सभी आदेशों का पालन किया। आपके बताए हुए महामंत्र और महाअनुष्ठानों से मैंने महाजादू बना लिया था माँ, लेकिन फिर मैंने उसे खो दिया। वो बालवीर बच गया। माँ, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मेरा महाजादू वापस दिला दो माँ, ताकि मैं उस बालवीर के वजूद को इस ब्रह्मांड से उखाड़ कर फेंक सकूं। फिर से ब्रह्मांड पर सिर्फ हमारी हुकूमत हो, और मैं इस बार वादा करती हूँ माँ, इस बार कोई चूक नहीं होगी। इस बार वो बालवीर मर कर रहेगा। माँ, सिर्फ एक बार मेरा महाजादू मुझे दिला दो, फिर आप जो भी दंड दोगे मुझे मंजूर होगा। माँ, सिर्फ एक बात बता दो कि उस लड़की काशवी के अंदर से मैं अपना महाजादू कैसे निकालूं माँ? तुझसे किसने कहा कि महाजादू वापस लिया जा सकता है? वो महाजादू कोई लिबास या जेवर नहीं जो किसी दोस्त या सहेली को इस्तेमाल के लिए उधार दिया और वापस लिया। जिसके पास महाजादू वही उसका मालिक। अब वो लड़की काशवी ही महाजादू की असली मालकिन है। कोई उससे महाजादू नहीं जीत सकता, तू भी नहीं। ऐसा मत बोलो माँ, ऐसे तो बालवीर को मारने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा माँ। कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका होगा माँ। जरूर। तू उस लड़की की मालकिन बन जा जो महाजादू की मालकिन है। लड़की तेरी गुलाम तो उसका महाजादू भी तेरा गुलाम। महाजादू कोई भी चलाए, मतलब तो बालवीर के खत्म होने से है। मेरी औलादें मेरी बात नहीं सुनती, तू क्या सुनेगा? वो आपकी अपनी औलाद और मैं मैं ही बेवकूफ हूँ जो समझ नहीं पाता कि लोगों का मतलब क्या है। हालांकि आजकल सब लोग मुझे एहसास दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये लीजिए दादू कि मैं पराया हूँ। कम चीनी वाली चाय। अभी अभी मिली एक दिल दहला देने वाली दुर्घटना ने पूरे शहर के होश उड़ा दिए। पता चला है मॉडर्न कॉलोनी नाम की सोसाइटी के बाहर एक भीषण दुर्घटना हुई है जिसमें सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए एक नौजवान बहुत बुरी तरह से घायल हुआ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। सफेद टी शर्ट पहने हुए नौजवान लड़का। चाची, चाची, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? चाची वो अपनी मॉडर्न कॉलोनी के बारे में दिखा रहे हैं। एक्सीडेंट हो गया है, व्हाइट टी शर्ट पहना है लड़का। व्हाइट टी शर्ट तो वीर ने भी पहनी है ना? वीर, 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 वीर बेटा, वीर, वीर, वीर बेटा, वीर, वीर। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? तू ठीक है ना? तुझे चोट लगी है कहीं? दिखा, तू ठीक है? अरे अरे माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप इतने घबराई हुए क्यों है? क्या हुआ? वीर, हम सबको लगा कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है। क्या? हाँ बेटा, वो घर में हमने न्यूज में देखा कि मॉडर्न कॉलोनी में किसी लड़के का एक्सीडेंट हो गया है और उसने व्हाइट रंग की टी शर्ट पहन रखी है। तो बेटा हम लोग बहुत घबरा गए और हमें लगा कि। अरे नहीं नहीं दादाजी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी। और वैसे भी मैं तो कहीं ये बेनाम का काम तो नहीं है। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगा वीर जैसे सब खत्म हो गया, जैसे मेरे शरीर में जान ही ना बची हो। मुझे छोड़ के चला गया, मुझे कुछ हो गया ना वीर तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, बर्बाद होंगे। तेरे बगैर हम लोग कैसे जिंदा रह पाते वीर? बेटा हम सब लोग तुझसे बहुत प्यार करते हैं, तेरे बगैर हम लोग नहीं रह पाते। हाँ वीर भैया, मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। कहाँ चला जाता है तू? हाँ माँ, मैं वो वादा कर अपनी माँ से कि तू कभी नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। ठीक है माँ, मैं वादा करता हूँ आपको छोड़कर कभी भी कहीं भी नहीं जाऊंगा, हमेशा आप सबके साथ रहूंगा। अच्छा ये अब रोना बंद करो और चलो घर चलो। हाँ जी आप सब घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। माँ चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा, जाओ जल्दी आना। ये सब आपका चलाया चक्कर था ना? आपने ऐसा क्यों किया मेरी माँ के साथ? बेचारी मेरी। हाँ ये सारा चक्कर मेरा ही चलाया हुआ है, लेकिन एक बात को समझने की कोशिश करो। इस परिवार के दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार है वो कोई चक्कर नहीं है, वो हकीकत है। और मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में इस परिवार के लिए जो प्यार है वो भी हकीकत है। तो फिर इन्हें छोड़ने के बारे में क्यों सोच रहे हो? Maybe you are right. शायद मैं ही गलत हूँ। I'm sorry. And thank you. इतनी बड़ी बेवकूफी करने से आपने मुझे बचा लिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर थोड़ी सी देर के लिए मैं अपनी माँ से दूर था तो वो इतनी परेशान हो गई। तो सोचिए उदाकलोक में मेरी अपनी माँ आदेशी, वो कितनी परेशान होगी। वो तो मुझे कितने समय से नहीं मिले। जोधा का लोग जाकर अपनी माँ से मिलकर आना चाहिए। जरूर जाओ बालवीर, पर ध्यान रहे वहां हर कदम पर तुम्हारे लिए खतरा है। प्लीज बी केयरफुल। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी माँ से मिलने के लिए हर खतरे का सामना कर सकता हूं। बालवीर को अपनी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपका बालवीर आपसे मिलने आ रहा है माँ। दिल्लाक, किंकोरी, दिल्लाक, किंकोरी। हम किसी के भी दोस्त होने से पहले शाशवान लोग के सिपाही हैं। शाशवान लोग का मुजरिम हमारा भी मुजरिम हो। क्या हुआ, अपने दोस्त से नहीं मिलोगे? पता है ना क्या करना है। हाँ, बालवीर ये क्या मजाक है? तुम्हें अरेस्ट किया जाता है बालवीर। मैं यहाँ कैद होने नहीं, अपनी माँ से मिलने आया, और जब तक मैं उनसे नहीं मिल लेता मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। किंकोरी, अटैक! किंकोरी, दिल्लाक में मुझे बाहर करने के लिए मजबूर मत करो। ये क्या पागलपन है? दिल्लाक, किंकोरी, मैं यहाँ लड़ने नहीं, अपनी माँ से मिलने आया। लेकिन उसके पहले तुम्हें खुद को शासमान लोग के कानून के हवाले करना होगा। महामहिम उत्तान की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद तुम जिससे चाहे उससे मिल सकते हो। लेकिन जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं गिरफ्तारी क्यों दूं? तुम दोनों जानते हो ना, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। हमारे माने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता बालवीर। लेकिन मैं निर्दोष हूँ। ये फैसला शासवान लोग की अदालत का है बालवीर, महामहिम उत्तान का है। हमारा काम है तुम्हें अरेस्ट करना, शासवान लोग के कानून के हवाले करना, और वो हम करके रहेंगे। तुम जानते हो दिल्लाक, मेरा निशाना कभी चूकता नहीं। बालवीर! छोड़ क्यों दिया मुझे बालवीर? तुम्हारा निशाना तो कभी नहीं चूकता, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाऊंगा और तुम्हें शासवान लोक लेकर जाऊंगा। देखो दिल्ला, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मुझे मजबूर मत करो। तू मारना, वैसे ही तेरे लिए जान लेना कौन सी बड़ी बात है? पहली दो निर्दोषों की जान ले चुका है तू बालवीर। अपने साथियों को भी मार दे। तो तुम दोनों को भी यही लगता है कि मैं गुनहगार हूं? उन दो निर्दोषों तुवेर और बाबेल को मैंने मारा है ना? अरे तुम दोनों तो वहीं पर थी, जब मैंने उन दोनों पर हमला किया था। दिलक, मैंने ही तुमसे कहा था तो हम उन्हें चेतावनी देते, तीसरी चेतावनी दो। तीन चेतावनी देने के बाद जब वो नहीं रुके तो किंकोरे ने ही कहा था कि हम उन्हें मार देते हैं। बालवीर ये रुक नहीं रहे, मैं इन्हें मार लेती हूँ। लेकिन मैंने कहा रुको, हम उन्हें बेहोश करेंगे। अरे सबकी नजरों के सामने ही मैंने बेहोश करने वाला शस्त्र चलाया था। तुम दोनों तो मेरे दोस्त, क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी निर्दोष को नुकसान भी पहुंचा सकता हूँ? लगता तो यही था बालवीर, लेकिन उस प्रमाण का क्या करते जो हमने अपनी आंखों से देखा? जब अपनों ने ही दोषी मान लिया तो औरों से क्या उम्मीद? अब समझाने का कोई फायदा नहीं। तुम दोनों तो जानते हो कि मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कोई कैद नहीं कर सकता। तुम दोनों जो भी समझो, मैं जानता हूं कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन तुम दोनों मेरे दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। इसलिए अब मैं तुम दोनों से नहीं लड़ूंगा। लेकिन फिर भी अगर तुम दोनों को लगता है कि मैं दोषी हूं तो ठीक है, कर लो मुझे अरेस्ट। निभाओ अपना फर्ज और ले चलो मुझे शाश्वान लोक। क्या हुआ, अपना फर्ज नहीं निभाओगे? मुझे कैद नहीं करोगे साथी? किसी बेगुनाह को कैद करना भी तो फर्ज से गद्दारी होगी ना बालवीर। मुझे यकीन हो गया है कि तुम सच बोल रहे हो और मैं सच के साथ हूं, और इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूं बालवीर। माफ करना बालवीर, हमने तुम पे बहुत शक किया। पर क्या करते, हम उलझ गए थे। हम दोस्ती निभाएं या फर्ज? मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे दोस्त बिना सोचे समझे मेरी हाँ में हाँ मिलाए। तुम दोनों मेरे दोस्त, मेरी परछाई नहीं। और दोस्तों में थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ तो होती रहनी चाहिए, तभी तो दोस्ती गहरी बनती है। सॉरी साथी। काशवी दीदी। हाय नव्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अरे काशवी बेटा, आओ बेटा आओ। कहो कैसे आना हुआ? वो दादाजी, ये जादू के शो के कॉन्ट्रैक्ट पे वीर के साइन चाहिए थे। पर बेटा वीर तो इस वक्त घर पर नहीं है। ओह चलिए कोई बात नहीं, आप इसे रख लीजिए और वीर से साइन करा लीजिएगा, मैं कल आके ले लूंगी। ठीक है बेटा, बाय। अच्छा बाय। भाई माना तुम बहुत बिजी हो, पर कुछ देर के लिए हमारे साथ भी तो बैठ सकती हो ना? नहीं 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 नहीं, काशवी दीदी मेरे साथ खेलेंगे। चलो ना काशवी दीदी, प्लीज चलो थोड़ी देर खेल लो। काशवी जितना खेलना है। पापा जी इस मूर्ति का रंग कितना फीका हो गया है, इसे पॉलिश करवाना पड़ेगा। आखिरकार ये हमारी खानदानी मूर्ति है। बहू मैं एक काम करता हूँ, इस मूर्ति को अलमारी में रख देता हूँ। वीर आएगा तो उससे कहूँगा पॉलिश करवा दे, और क्या पता वीर अपने जादू से ही इस मूर्ति को पॉलिश कर दे। जादू और चमत्कार में फर्क होता है पापा जी। चलिए फिलहाल तो आप इसे अलमारी में रख दीजिए। ठीक है। अभी महा जादू देखा कहाँ है तुम लोगों ने जो फर्क समझ पाओगे? स्टोन पेपर सिजर, स्टोन पेपर सिजर। इस बेशकीमती मूर्ति को संभाल कर अलमारी में रख देता हूं, यहां ये सेफ रहेगी। अब होगा खेल शुरू। काशवी का पहला महापाप लालच। देखना मेरा महाजादू कैसे उसके अंदर की लालच को जन्म देता है और लालच में अंधी होकर चुराएगी दादाजी की पुश्तैनी मूर्ति और चढ़ेगी पाप लोक की पहली सीढ़ी। इस गुफा के अंदर है, लेकिन वह इस गुफा के अंदर क्या करने गई होगी? और ये इतने सारे पत्थर गुफा के मुंह पर किसने डाले? स्टोन पेपर सीजर नहीं नव्या, हम कुछ और खेलें, लुक्का छुपी। हाँ ठीक है, मैं आंखें बंद करती हूँ और गिनती हूँ, जाओ तुम छुपो। ओके 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। काशवी का पहला महापाप। पीछे हटो, ये मेरी मूर्ति है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी से हाथ लगाने की? ये तो वही मूर्ति है ना जो गार्गी बहन के घर में बरसों से स्थापित है, उनके पुरखों की मूर्ति है। ये मेरी मूर्ति है और अगर इसके आगे तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। देखो भाइयों क्या जमाना आ गया है। अरे इसको देख क्या रहे हो, जाके गार्गी बहन को बुलाओ, ये चोरी कर रही है यहाँ पे। मैं इसे पकड़ती हूँ, छोड़ो मुझे। गार्गी बहन, दादाजी। अरे भाई क्या बात है, किस लिए चिल्ला रहे हो? दादाजी एक लड़की आपकी पुश्तैनी मूर्ति लेकर भाग रही है, उसे हम लोगों ने पकड़ के रखा है। क्या मूर्ति? लेकिन उसे तो मैंने अलमारी में रखा है। एक मिनट, अरे बहू, बहू हाँ। अलमारी में मूर्ति तो नहीं है क्या? अरे यही तो कह रहा हूँ दादाजी, वो लड़की लेकर भाग रही है मूर्ति। जल्दी आइए आप, जल्दी आइए। चलिए। ये शाश्वान लोक की सबसे आधुनिक और मजबूत कारागृह है, इसे भेदना नामुमकिन है, इसलिए इसका नाम अभेद कैद रखा गया है। एक बार किसी को यहाँ बंद करने के बाद हमारी मर्जी के बिना उसकी रूह भी यहां से नहीं निकल सकती। बालवीर को पकड़ने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए इस कारागृह में बंदी बनाकर रखा जाएगा। और वो दिन आ गया मामाहिम, शाश्वत रहे शाश्वत। काशवी तुम बेटा ये मूर्ति कहाँ ले जा रही थी? मूर्ति बता जल्दी। हाँ चोर है ना इसीलिए चुप है। अब क्यों चुप है, बोल ना। अरे एक मिनट सविता बहन, मैं जानती हूँ इसको। एक मिनट, हाथ छोड़िए ना, आप हाथ छोड़िए। काशवी बेटा ये मूर्ति, इस मूर्ति का रंग कितना फीका हो गया है, इसे पॉलिश करवाना पड़ेगा। ये मूर्ति तो पॉलिश? अच्छा तो काशवी मूर्ति को पॉलिश कराने के लिए ले जा रही थी, है ना बेटा? ओ, तुम ये मूर्ति पॉलिश कराने के लिए लेके जा रही थी? हाँ सविता बहन, मुझे ना ये मूर्ति पॉलिश करानी थी। अब वीर घर पे था नहीं, इसने सुन लिया होगा तो इसने सोचा होगा चलो मैं ही आंटी की मूर्ति पॉलिश करा लाती हूँ, ये तो मेरी बेटी जैसी है। अब भला अपने घर में कोई चोरी करता है क्या? ये सब ना थोड़ी कंफ्यूजन सी कुछ हो गई है बस। कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ध्यान रखा। क्या हुआ दिल्ला, क्या देख रहे हो? आमिर वो देखो, शायद बालवीर उसी गुफा के बारे में बात कर रहा था। अगर गुफा वहाँ है तो यही पथरीली जमीन हमें वहाँ पहुँचाएगी। चलो चलो। यही है वो गुफा, पत्थर हटाते हैं। तुम यही रुको, मैं अंदर जाके आता हूँ। महादिशी, महादिशी यहाँ भी नहीं मिली, पूरा एरिया छान मारा। लेकिन बालवीर का जादू तो उसे इसी तरफ लाया था। वैसे बालवीर का जादू कभी उल्टा तो नहीं पड़ता, पता नहीं इस बार क्या हो गया। तिलक, तुम ये जाके बालवीर को बताओ, और उस तरफ किंकोरी बालवीर की गिरफ्तारी की खबर फैला रही होगी। ठीक है, मुझे नहीं पता आप कहाँ है माँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जैसे ही आपको मेरी गिरफ्तारी की खबर मिलेगी आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। आप जहां भी होंगी दौड़ी चली आएंगी, मुझे पता है कि आप मुझ तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं मां। आपका बालवीर आपका इंतजार कर रहा है। मुझे ऐसा बार बार क्यों लग रहा है कि आप किसी मुसीबत में हैं माँ? यहाँ तो उदाकालोक का कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। माँ आदिशी की बॉडी के लिए ये जगह सेफ है। अगर आप सच में किसी मुसीबत में हैं तो मुझे पता चल जाएगा जब मैं अदालत पहुंचूंगा। अभी कुछ ही समय में शुरू होगा दूसरे क्रोध का रिएक्शन। कॉलेज में क्या रोज डे था, मुझे 134 रोज मिले थे। 4 मैं तो रोज ले लेके परेशान हो गई थी एकदम। ये ईवा तो खुद को हीरोइन समझने लगी है। 4 लड़कों ने गुलाब क्या दे दिए, इस गधी ने खुद को रोज क्वीन मान लिया है। ईर्ष्या और जलन की बू आ रही है काशवी की रूह से। अब जलन की ये ज्वाला काशवी को और भी जलाएगी और एक और महापाप करवाएगी। ईवा, मुझे ना एक अर्जेंट कॉल करना है, मैं बस भी कॉल करके आती हूँ। ओके। अभी इस खूबसूरती की सारी अकड़ निकल जाएगी। जस्ट वेट एंड वॉच ईवा। हो गया दूसरा महापाप। बेचारी ईवा, काशवी की ईर्ष्या ने क्या हालत कर दी इसकी। चलो आज के लिए इतना काफी है। ये क्या हुआ आगे? महाजादू का असर अब भी उस पर हावी है। काशवी जलन से भरी हुई है, अभी भी वो अपने असली स्वभाव में नहीं आ रही है। बड़ी आई ब्यूटी क्वीन बनने, तेरा चेहरा इस कीचड़ के ही लायक है। आगिल ये तो रुकी नहीं रही है। महाजादू इस पर इतना हावी हो गया है कि ये बेकाबू हो गई है। अब क्या होगा आगिल? काशवी कहीं इसकी जान ना ले ले। हो सकता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा जादू मुझे उसी गुफा तक ले गया था, मैं वहीं होनी चाहिए। मेरा जादू कभी गलत नहीं हो सकता। बालवीर, हमने वो गुफा और उसके आसपास की सारी जगह छान मारी, महादिशी का नामो निशान तक नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं कहीं तो गलत हो रहा हूँ। आखिर माँ है कहाँ? शायद महादिशी आई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारा संदेश सभी लोग तक पहुँचा दिया था। अगर ये संदेश महादिशी तक पहुंचा है तो तुमसे मिलने यहाँ जरूर आएगी बालवीर। हाँ, मुझे विश्वास है, माँ जरूर आएगी। दिल्लक, ले चलो मुझे अदालत में। माँ अब तक नहीं आई और यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। माँ कहाँ हो तुम? जब तक माँ का पता नहीं चल जाता तब तक मुझे याददाश्त चले जाने का नाटक करते रहना होगा। ले और कीचड़ ले, बन गई ना मिस लवली से मिस अगली। सजा के लिए तैयार हो जाओ बालवीर। अरे कौन सी सजा? मैंने कोई गलती की नहीं। और तो और मैं वो हुई नहीं जो आप समझ रहे हैं। देखिए माही माटूंगा जी, सिर्फ महामहिम। हाँ हाँ, महामहिम, महाज्ञानी, जो भी आप। देखिए मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं वीर हूँ। मेरा परिवार घर पर मेरा इंतजार कर रहा है। प्लीज मुझे आप मेरे घर पर जाने दीजिए। अब मैं यहाँ पे और नहीं रह सकता, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये लड़का साफ़ी-सदी छल कर रहा है और शाश्वतलोक के कानून के हिसाब से छल से निपटने के लिए अगर छल किया जाए तो वो छल नहीं होता। माँ, आप अभी तक आए क्यों नहीं? डरो नहीं वीर, हम समझ गए तुम्हारी बात। तुम गलती से यहाँ आ गए हो। आओ, हम तुम्हें धरती लोक का रास्ता दिखाते हैं। आओ। अरे लेकिन ये रास्ता तो पिंजरे की तरफ जा रहा है, मुझे तो घर जाना है। ये अरे मामहीम, ये गलती मुझसे हो गई है। वी आ अब मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आ जाओ आ जाओ, डरो मत डरो मत। ये शशमा कुछ करे उससे पहले मुझे माँ से मिलना होगा। माँ कहाँ है आप? और सुनो, जब घर पहुंच जाओगे तो अपनी माँ को मेरी तरफ से, वो धरती पे क्या कहते हैं, नमस्ते। अपनी माँ को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। जाओ। ये धोखा है। धोखा नहीं बालवीर। पैंतरा। देखो, यह है हत्यारा बालवीर, जिसने दो निर्दोष लोगों की जानें ली। शाश्वान लोक में किसी के भी साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, इसलिए बालवीर भी गुनहगार की तरह सजा पाएगा। ताउम्र अभेद कैद के पीछे बंद रहेगा। लेकिन मैं बालवीर नहीं हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.